सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। फातिमा, आप ही बाबा को मत बताइएगा कि हिस्से बाजार में हमारी रकम डूब गई है। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन जल्द या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी। उसने मुझे बॉन्ड खरीदने की पेशकश की, मैंने इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मजामत करें, याद रखें, आखिरी हद तक मजामत करनी होगी हमें। बहुत कम वक्त रह गया है, जब वो बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा तो वो रुस्वा हो जाएगा, और सिर्फ वही नहीं, पूरी उस्मानी रियासत रुस्वा हो जाएगी। आल शाबाश। हम आलिया के साथ महल से, बल्कि पाया तख्त से चले ही जाएं तो बेहतर है। कोई अंधा भी उन्हें देखकर समझ लेता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बस कर दो, अगर ऐसी कोई बात होती तो कानी सबसे पहले मुझे बताता। वैसे भी मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। आप दोबारा दरख्वास्त लिख सकते हैं। आपका पैगाम उन तक पहुंचा नहीं। शायद दफ्तर में मामूर एक कातिब बेहोश हो गया था। मुझे लगता है कि उसी दौरान आपकी दरख्वास्त कहीं खो गई। मुझे उस दुश्मन का दोस्त क्यों बनना होगा? ताकि वो आप पर एतमाद करने लगे और आप उसे यकीन दिलाएंगे कि आप उसी की तरह एक आम इंसान हैं, ताकि वो आपके साथ कोई भी गैर कानूनी काम करने के लिए तैयार हो जाए। उनके जाने के बाद मैंने उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा और तहरीर पढ़ी। लिखा था कि आलिया सुल्तान, आप रात के दूसरे पहर महल के खुफिया जगह पर मुझसे मिलने आइएगा। महल की खुफिया जगह पर? अब हमें उसके लिए एक जाल बिछाना होगा। आप बेफिक्र हो जाए सुल्तान मौज़म, मैं उस तुबीनी को इतनी बुरी तरह से फंसाऊंगा कि वो अपनी पैदाइश पर भी पश्चिमान होगा। लेकिन मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे रास्तों का इल्म नहीं। बस इतना जानता हूँ कि वो दुकान कबीर बाजार में वाके है, मगर उसके पास तो बहुत सी किताबें होंगी। अगर आप नहीं जाएंगे तो मतलूबा किताब हासिल नहीं कर पाएंगे। वही जो तुम लोग करते हो अमीर लोगों के लिए, असली और जाली माल की नीलामी। यानी ऐसा कोई खास मौका आ रहा है? बताओ, आ रहा है या नहीं, जवाब दो मुझे। आला। गलत फहमी हुई है आपको, मैंने खाना नहीं मंगवाया। ये हमारी इंतजामिया की तरफ से है जनाब, पाया तख्त में आपको खुशामदीद कहते हैं।
ये खुसूसी खाना पाए तख्त में सिर्फ खास लोगों को ही पेश किया जाता है। शुक्रिया आपका। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए। बहुत शुक्रिया। आइए। आ जाइए शहजादे। ये हाल ही में शाया होने वाले तमाम अखबारात और इश्तहारात हैं। यहां रख दें। आरजूमंद है यहां? मैं बेच रहा हूं। बेच दिया मैंने। आपकी दिलचस्पी का शुक्रिया। अब अगली नीलामी इस मुजस्मे की है जो पांचवें मुकद्दस शहंशाह चार्ल्स का है। यह एक नादिर नमूना है जो 200 वर्ष से खोया हुआ था। इसकी बोली 2.5 लाख है। कोई है आरजूमंद? 3 लाख। 4 लाख। 4 लाख में बेच रहा हूं मैं इसे। कोई और आरजूमंद? 4.5 लाख। 4.5 लाख। कोई और आरजूमंद है? 6.5 लाख। 6.5 लाख। बहुत जबरदस्त पेशकश है। और कोई आरजूमंद? कोई लेना चाहता है इसे? बताए, मैं बेच रहा हूं। 7.5 लाख। 7.5 लाख की पेशकश हुई है हजरात। क्या कोई और है जो इसे लेना चाहता हो? 8.50 लाख। 8.50 लाख की पेशकश। 8.50 लाख। कोई और लेना चाहेगा? कोई और पेशकश? मैं बेच रहा हूं इसे। 10 लाख। 10 लाख की पेशकश हजरात। 10 लाख। और कोई लेना चाहेगा? मैं बेच रहा हूं। बेच रहा हूं मैं। बेच दिया मैंने। जनाब, जनाब रुके। कैसे हैं आप? अगर आप मसरूफ नहीं तो वहादत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वहादत साहब? वही जिनकी नीलामी के दौरान मैं नुमाइंदगी कर रहा था। सुल्ताने मौज़म, तलबा वाले मामले से मुतालिक एक खुफिया पैगाम वाला इश्तिहार है ये। मगर ये खुफिया पैगाम तो आसानी से नजर आ रहा है। पैगाम क्या है सुल्तान मौसम? आजादी के लिए जरूरी है आइन साजी, और आइन साजी के लिए जरूरी है यूरोप हिजरत करना, और इसके लिए अय्यूब इदरीस से मुलाकात करना लाजम है। नीचे मुलाकात का पता दर्ज है, देखें जरा। ये लोग अभी भी यूरोप को अपने रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद समझते हैं। अफसोस, सद अफसोस। सुल्ताने मौसम, ये बताइए कि हमें इस मुलाकात की जगह पर जाना चाहिए? जरूर जाइए बेटे, लेकिन पहले इसकी अच्छी तरह से तहकीकात कर लीजिएगा। ये कोई जाल भी हो सकता है। खुफिया पैगाम को इतने सादा अंदाज में लिखा गया है, हमें शक हो रहा है। जरूर ये उनकी कोई चाल है। मैं तुमसे यहां पर आया हूं,
बारे में आ रहा है कि लोग क्यों कर रहे हैं। तुम अपनी तवज्जो यहाँ दो, यहाँ तवज्जो दो। अरे ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो देखो पढ़ो इसे। अरे देखो क्या ये रिफत साहब, देखो क्या रिफत साहब भी हमारे साथ हैं। लगता तो यही है, लेकिन इनका यहाँ क्या काम है। सही कह रहे हो मेरे भाइयों, मुल्क का मुस्तकबिल, आजादी के मुहाफिज, यहाँ मौजूद आप सभी लोग हैं। मुझे आपकी जुर्रत पर फख्र है और अब रिफत साहब भी हमारे साथ मंसूबे में शामिल होंगे। और अब रिफत साहब आपको इस बात की वजाहत देंगे कि मुल्क की आजादी के लिए हर हफ्ते हमारा यहाँ जमा होना क्यों जरूरी है। आइए रिफत साहब। आप सबको मुखालिफ सोच की वजह से फौजी तरबियत से निकाला गया, कुछ को मकातिब से, और कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद तो हैं लेकिन अपनी सोच जाहिर नहीं कर पाते। अब आपको छुपने की जरूरत नहीं, हमें इस मुल्क की आजादी के लिए और इस बादशाही निजाम के खात्मे के लिए सड़कों पर मिलकर निकलना होगा। हम सबको पेरिस जाना है, वहां हम अपनी फिक्री तहरीक का आगाज करेंगे। अब हमें अपनी जिद्दोजहद से ही आजादी हासिल करनी है, लेकिन हमारी इस तहरीक के कायदीन मनियास रफीक साहब और तलत साहब हमारे साथ हैं। अगर ये ना होते तो आज हम यहाँ जमा ना होते। सलामत रहें। आप दोनों सलामत रहें। शुक्रिया। आप सभी सलामत रहें ताकि हमारी रियासत सलामत रहे। हमें तैयारी फौरन शुरू करनी होगी। बैठिए। रफीक, मैं यहां आने से पहले जनाब का रसू से मिला था। शाम को बहरी जहाज बंदरगाह पर तैयार होगा, मफरूर अफसरान को भी बता दिया है मैंने। आइए। जनाब तुबीनी, बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। ये वाकई निहायत नायाब नमूना है, इसे मैंने बहुत शौक से खरीदा है। ओह, ये क्या किया? टूट गया। मगर क्या आप जानते हैं कि मैंने ये खूबसूरत शाहकार सिर्फ आप ही के लिए खरीदा था। मेरे लिए? जी हाँ, आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इस जाली नमूने पर इतनी ज्यादा रकम जाया करें। जाली नमूना? जनाब तुबीनी, पाए तख्त में बहुत सा कीमती सामान लाया जाता है और उस सारे सामान की मुझे खबर होती है, और पाए तख्त में ऐसा नायाब नमूना कभी नहीं लाया गया, और अगर लाया जाता तो मुझे इसकी खबर होती। इस तरह की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त अक्सर नीलामी में चलती रहती है, लेकिन हमें जो लोग अच्छे लगते हैं, हम नहीं चाहते कि वो लोग ऐसी फजूल चीजों में अपनी रकम जाया करें। आपकी तरह जनाब तुबीनी, आप और मैं साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं। आप जैसे ही पाए तख्त आए थे मैं आपको पहचान गया था, और मैं नहीं चाहता था कि पाए तख्त में आपका खैर मकदम इस तरह के धोखे की सूरत में किया जाए। मैं आपके साथ काम करूंगा, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि जनाब तुबीनी, पाए तख्त में आने वाला हर सरमायाकार, खास तौर पे बैंकर, अपनी खुशी से या मजबूरी से मेरे साथ काम करता है। आप क्या काम करते हैं? बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा कि मैं क्या काम करता हूं। आ जाओ। जनाब, खबर मिली है कि सिपाही छापा मारने आ रहे हैं यहाँ। छापा? हमें फौरी पीछे वाले दरवाजे से निकलना होगा। तो फिर पहले जनाब तुबीनी को ले जाओ। आइए जनाब। जनाब तुबीनी, जनाब तुबीनी। आपकी टोपी। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हक्की उस्ताद के जनाजे की तैयारी मुकम्मल है कमांडर। उनका जनाजा उनके आबाई इलाके में पढ़ाया जाएगा। बेगुनाह लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जिनका हमें इंतकाम लेना है। पाइनोस, हक्की उस्ताद की मौत का इंतकाम, तहसीन पाशा और रजा पाशा के अगवा का हिसाब भी बाकी है। हमें दुश्मनों से हिसाब लेना है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे कमांडर। उन्हें अपने किए का हिसाब देना ही होगा। क्या हुआ इसहाक साहब, ये सब क्या है? बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। महपारी साहिबा को अगवा कर लिया गया है। कैसे? वो मेरे साथ किताबों की दुकान पर जा रही थी। मैंने अली उस्मान के लिए कुछ किताबें खरीदनी थी और फिर उन्होंने आपके लिए ये पैगाम भेजा है। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे अपने आदमी वापस ले लूंगा अशरफ। लड़की जिंदा चाहते हो तो आदमी लौटा दो मेरे। अगर उन्हें महपारे के बारे में मालूम है तो उस जगह का इल्म भी जरूर होगा। चलो। जनाब तुबीनी, पुरसकून रहिए, आप मेरे साथ हैं, महफूज हैं। क्या आप रियासती अफसर हैं? क्या मतलब रियासती अफसर? ये ख्याल आपको कैसे आ गया? छापे से पहले खबर हो जाना कोई आम बात नहीं। जनाब तुबीनी, मैं बाज़ औकात रियासत के लिए और बाज़ औकात रियासत के खिलाफ काम करता हूँ। इसीलिए पाए तख्त के हर इदारे में मेरा काफी असर और रसूख है। मुझे अंदाजा हो रहा है। शुक्रिया। खैर आप बताइए कि आप किस काम से पाए तख्त आए हैं? अगर कोई निजी मामला है तो मैं सवाल के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। कारोबार? आला। तो फिर जनाब तुबीने, मैं आपको एक दोस्ताना मशवरा देना चाहता हूँ। अगर आप पाए तख्त में कारोबार करना चाहते हैं तो आपको अपनी रकम महफूज हाथों में देनी होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जी, मैं समझ गया। मैं भी इस हवाले से परेशान था। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको तो मालूम है रकम कमाने का हर तरीका जायज नहीं होता। मालूम है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुझे बता देंगे कि आप क्या काम करते हैं। जनाब तुबीनी, यकीन कीजिए आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। पैगाम में लिखा था कि आप रात के दूसरे पहर महल की खुफिया जगह पर मुझसे मिलने आइएगा। हमारे पास ये एक अच्छा मौका है। हमें आलिया सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल सकता है सुल्ताना। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौजम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आइए महमूद पाशा। बेटा तुम जाओ, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौजम, उस तुबीनी के आगे जाल बिछा दिया है मैंने, अब वो मुझ पर भरोसा करने लगा है। वो मलून शख्स काफी ज्यादा रकम लेकर पाए तख्त आया है। उसका इरादा है कि इस गैर कानूनी रकम से सरमायाकारी करे और उसने अपनी रकम हर तरह से महफूज रखने के लिए मुझसे मदद तलब की है सुल्तान मौजम। बहुत खूब पाशा, बहुत खूब।
आइए अहमद जलालुद्दीन पाशा। सुल्तान मौसम, आपने मुझे तलब फरमाया। आपके लिए एक अहम जिम्मेदारी है। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। वो तुबीनी महमूद पाशा को गैर कानूनी तौर पर एक खतीर रकम देगा। उसी असना में आप अपने सिपाहियों के साथ वहां छापा मारेंगे और हम तुबीनी को इस मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर हम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका हुक्म। अल्लाह मददगार हो। महमूद पाशा। हुक्म कीजिए सुल्तान मौसम। आप तुबीनी से कोई जामिन तलब कीजिएगा। जामिन? बिल्कुल। वो क्यों सुल्तान मौसम? वो शख्स ये सब कुछ अकेला नहीं कर रहा होगा, जरूर कोई ना कोई उसका साथ दे रहा है। शायद हम इस तरह उन लोगों तक पहुंच जाएं जो इसके पीछे हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं सुल्तान मौसम। देखते हैं कि उसका जामिन कौन होगा। अब आप दोनों जाकर आराम करें, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सही कह रहे हैं, हमारी तकलीफ कम हो गई है, हमारा यकीन कीजिए। आज रात तो हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते नाइमा बाजी, वैसे भी आपकी इस हालत की वजह हम हैं। अब हम आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने आपको भी डरा दिया था ना? हाँ वाकई में, मगर हमें उम्मीद है कि आप सबक हासिल कर चुकी होंगी। खैर, सुना है कि हर शर में कोई खैर छुपी होती है, यह अच्छा है कि आपको नसीहत मिल गई। नसीहत तो मिल गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे सामना करें और इस बहरान से कैसे निकलें। अभी आप इस बारे में मत सोचिए, पहले सहतियाब हो जाइए, फिर हम मिलकर इस सूरत हाल का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, बाजी ठीक कह रही हैं, हमेशा हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आज हम सारी रात आपसे बातें करेंगे, हम सोने नहीं देंगे आप दोनों को आज। ठीक है, खुद सो जाएंगी ये। हमें भी यकीन है। आपको इसलिए सोने नहीं देंगे ताकि कल आप दोनों मेरी गवाही दे सकें।
जनाब तुबीनी। सबाहद्दीन साहब, मुझे एक मामले में आपकी मदद चाहिए। कहिए, सुन रहा हूँ। आप तो जानते हैं अब मैं पायतख्त में ही हूँ। मेरा यहाँ अपना कारोबार बढ़ाने का इरादा है। आज मैं वहदत नामी एक शख्स से मिला। उसने साबित कर दिया कि वो बहुत असर व रसूख रखता है और मैं उसके साथ कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझसे एक जामिन तलब किया है, तो मुझे आपका ख्याल आया। किस तरह का कारोबार? जिससे बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। फिलहाल आपका इतना जानना ही काफी है। रकम की बात है तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात का तजस्सुस है। सिर्फ मैं ही क्यों? करासो को क्यों नहीं बुलाया आपने? मुझे नहीं लगता कबूल करेंगे वो, क्योंकि आजकल उनका महल में बहुत आना जाना है। वैसे भी मैं उनके काम को खतरे में नहीं डालना चाहता। इससे एक ही नतीजा खस कर पाया हूं मैं, आप मुझे खतरे में डाल रहे हैं। खतरा तो है मगर फायदा काफी ज्यादा है। जनाब, कसल की सूरत हल तो आपके सामने है। अब मेरे पास आपके अलावा और कोई जामिन नहीं। आपके यहाँ बहुत से दोस्त हैं और लोग आपकी बात का एहतराम करते हैं। यकीनन वहदत साहब आपको बतौर जामिन कबूल कर लेंगे। मुझे क्या मिलेगा? मुनाफे का 5% कैसा रहेगा? तो फिर आप नए जामिन की तलाश फौरी शुरू कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? 20%। ठीक है, कबूल है मुझे। आफरीन। हम इस इश्तिहार को अहमद पाशा के जरिए शहजादे तक पहुंचाएंगे। वो अभी हमारी तलाश में है। हमने इस इश्तिहार में वो पता भी दर्ज किया है जहां आप तुलबा से मुलाकात करेंगे, लेकिन हम वहां उन तुलबा को भेजेंगे जो किसी काबिल नहीं है। इसके बाद शहजादा आपको और हमारे काम ना आने वाले तुलबा को गिरफ्तार कर लेगा, और फिर हम लोग मुखालिफ सोच वाले तुलबा के साथ यहां से चले जाएंगे। आप लोग इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोशिश करते रहें, मैं तब तक जिंदान में इंतज़ार करूंगा। लेकिन वो लोग मुझसे तफ्तीश करेंगे। उन्हें आप मेरा नाम बता दें, यही काफ़ी है, यकीन आ जाएगा उन्हें। वैसे भी मैं फरार होने वाला हूं। अहम बात यह है कि अहमद पाशा का नाम बेनकाब नहीं होना चाहिए। हारून साहब ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है। अगर वो कुर्बानी ना देते तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे, और अहमद पाशा भी बेनकाब हो जाते। हमने एक झूठा इश्तिहार शहजादे तक पहुंचाकर उन्हें हारून साहब के ठिकाने की मालूमात फराहम की है। हारून साहब अपनी गिरफ्तारी के बाद बयान देंगे कि इस मंसूबे का सरबरा मनियास रफीक है, और इस तरह अहमद पाशा का नाम सामने नहीं आएगा। वो थोड़ी देर में हमारे दरमियान मौजूद होंगे, और हम आज़ादी की तरफ कामयाबी से अपना पहला कदम उठाएंगे। इस सब का इख्तिताम बहुत जल्द होगा, और हम एक बार फिर फख्र और आज़ादी के साथ पायतख्त की गलियों में चलेंगे। हमारे साथी हमारे साथ होंगे, और उस वक्त इस शहर से निकलने वाले हम नहीं बल्कि वो तख्त पर बैठा अब्दुल हमीद होगा। जहाज कब आएगा? हमें पेरिस के लिए कितने बजे तक निकलना है? बहुत जल्द, परेशान मत हो। आना है तो आ जाओ शहजादे। आप जानते हैं ना कि आपको क्या करना है। अगर हमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको बहुत चलाकी से उसका साथ देना है और उससे मालूमात निकलवानी है। उन्होंने आपको और इस रियासत को धोखा दिया, लेकिन आप धोखा देने वालों में से नहीं हैं।
बेसिम साहब, क्या बेसिम साहब भी हमारे साथ हैं? आपका यहाँ क्या काम है बेसिम साहब? रियासत ने मुझे गिरफ्तार करवाया, मैं अपने तुलबा के सामने रुसवा हो गया। जब उन्हें हकीकत का इल्म हुआ तो मुझे रिहा कर दिया गया, लेकिन मैं अपनी रुसवाई का बदला लेकर रहूंगा। आपको यहाँ से जाना होगा अभी, कहीं आप फिर से मुश्किल में ना पड़ जाएं। जाऊंगा मैं और अब्दुल हमीद के सारे पाशा हजरात को मार दूंगा। इन लोगों ने आज तक अवाम का सरमाया खाने के अलावा और क्या किया है? तौफीक, अहमद, रजा, इन सब लोगों को मार दूंगा मैं। अगर आप वाकई रियासत के खिलाफ हैं और उन सबको मारना चाहते हैं तो मार दें, मगर अहमद जलालुद्दीन पाशा को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप यहां क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका? रुको, पुरसकून हो जाए सब, पुरसकून हो जाए। और तुम बेसिम साहब को छोड़ दो। सुना नहीं क्या? बेसिम साहब को छोड़ दो। गद्दार अहमद पाशा, ये सब उनका मंसूबा था। गिरफ्तार कर लो इन सबको, इसे भी ले जाओ। आपका तारुफ करवाता चलूं, ये है वहदत साहब। अच्छा तो वहदत साहब आप हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और ये है मेरे जामिन शहजादा सबाहुद्दीन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शहजादा सबाहुद्दीन, बहुत खुशी हुई। मैं अभी आता हूं। मुझे इस हाल में पहुंचाने का सबब तुम हो, क्या तुम्हें मुझे देखकर जरा भी शर्म नहीं आती? रियासत के साथ गद्दारी करते हुए तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? आइंदा मेरे सामने मत आना। देखो लड़के, पहले ही तुमने हमें बहुत दुख दिए हैं, फौरन कोई बहाना बनाओ और यहां से चले जाओ। मुझे भी बचाओ और खुद को भी बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बेटे और रियासत में से एक का इंतखाब करना पड़े। जाओ। आप खुद ही अपनी इस हालत के जिम्मेदार हैं बाबा। अब्दुल हमीद के साथ वफादारी ने आपको इस हाल तक पहुंचा दिया है। सबाहुद्दीन, जो कहा है वो करो, जाओ यहां से। मैं एक बार फिर तुम्हें बचाऊंगा नहीं। चलो जाओ, निकलो। हो क्या रहा है बताएं मुझे पहले। कोई भी बहाना बनाओ और फौरन यहां से चले जाओ। जाओ। आप कहां जा रहे हैं? कोई अहम बात नहीं जनाब तुबीनी, यानी परेशानी की कोई बात नहीं, बस एक सबूत चाहिए, कोई ऐसी दस्तावेज जिससे ये साबित हो सके कि शहजादे सबाहुद्दीन वाकई एक शहजादे हैं। और मुझे उम्मीद है कि शहजादे सबाहुद्दीन जल्द वो सबूत हमारे पास ले आएंगे। जी बिल्कुल, मैं बस अभी लेकर आता हूं। फिर मिलेंगे शहजादे सबाहुद्दीन। जरूर मिलेंगे वहदत साहब।
लेकिन अगर ये अहमद पाशा पे महज बहुतान है तो हम अभी सुल्तान मौजम को यह खबर नहीं देंगे। पहले हम इस मामले की तस्दीक करेंगे। आप सही कह रहे, मेरे साथ चलो, तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, शायद तुम्हारा दिमाग खुल जाए। कहाँ? आप हमारे साथ वालिदा के पास बुरसा चल रही हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। आलिया, अगर गुज़िश्ता शब ये तीनों महल में थी तो मलिका सालिहा, फिर आप गुज़िश्ता रात किसके ताकुब में महल से बाहर गई थी और क्यों?